ओम शांति। दादी जानकी के साथ जो मेरी मुलाकातें हुई, बार बार हुई, कई बार हुई, मैं इसे कोइंसिडेंस तो नहीं कहूंगा, एक्सीडेंट भी नहीं कहूंगा, हाँ जरूर भगवान का आशीर्वाद कहूंगा। सबसे पहले मैं दादी जानकी से लंदन में मिला था, छुट्टी पे गया था दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो एयरपोर्ट पर जब वो लेने आए तो ये कुछ सीनियर बहनें मिली, शायद अफ्रीका से थी। उन्होंने कहा आप हमारे सेंटर पे जरूर जाना, हमारी दादी से मिलना। मैंने हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा ठीक है। तो अचानक एक दिन मन में ख्याल आया कि चलो यार ट्रेन में बैठ के घूमते हैं, थोड़ा देखते हैं लंदन। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं एक स्टेशन पर उतरा और ऐसे चलने लगा, देखा सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या ऐसे कुछ नाम था, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी समथिंग। मैंने कहा वाह, लंदन में स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ाई जाती है क्या, चलो देखते हैं। अंदर गया तो ये ब्रह्म कुमारी का सेंटर था, और वहाँ बहनें मिली और काफ़ी बात हुई। फिर थोड़ी देर में दादी जानकी आई, तो बात करते करते उन्होंने मुझसे कहा तू ना 24 घंटे अटेंशन में रहकर। बोला क्या दादी आप कैसी बात करते, इतनी पिक्चरें हैं, इतना काम है, इतने लोग हैं घर पर, क्या मैं अटेंशन में रहूंगा 24 घंटे, इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा तू 24 घंटे टेंशन में रह सकता है तो क्या अटेंशन में नहीं रह सकता। दादी ये तो कमाल का जवाब था। चलिए फिर उन्होंने कहा तू जरूर कल आना। तो मैं एक दो दिन बाद फिर गया, फिर मुलाकात हुई, बातें हुई, काफी गिफ्ट थी, बहुत प्यार दिया दादी ने, बहुत प्यार दिया। और मैंने कहा दादी आपकी जगह ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, यहाँ मैं कुछ दिन रह जाऊं। तो उन्होंने कहा देखा अभी तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, अभी रूम्स तो बने नहीं, बनाने वाले हैं आगे चल के, तुम एक काम करो मेरा ये ऑफिस ले लो। मैंने कहा कमाल है दादी आपका ऑफिस आप यहाँ। नहीं कोई बात नहीं, वहां उन्होंने मेरे रहने का इंतजाम भी कर दिया। मैंने कहा कमाल है, दादी से सीखना चाहिए प्यार किसको कहते हैं। तो फिर रोज वो ले जाती थी मुरली या वाणी, वाणी या कुछ बोलते थे, याद नहीं है मुझे अभी, बहुत पुरानी बात है ये। तो वहां सुनते थे और कुछ समझ में तो आता नहीं था, तो इतना ही था कि जाते जाते सिस्टर जेमिनी ने एक वीडियो बना के दिया मुझे, काफ़ी गिफ्ट वगैरह दी, बोला ज़रूर आना एंड ऑल दैट। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और मैं भूल गया और टोटली भूल गया। एक दिन मुंबई से फोन आया किसी बहन का कि दादी जानकी इंडिया आई हुई है मुंबई से, माउंट आबू जा रही और आपको इन्वाइट किया है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी एज यूजुअल, और मैं फिर से भूल गया। लेकिन दादी ने पीछा नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी तो ऐसे वीआईपी सेक्शन में जाके मैं बैठ गया, और देखा तो दादी जानकी और काफी ग्रुप में काफी सिस्टर्स थी। अरे दादी दादी जानकी है ये तो, बोले हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो, ये टोली का ये मीठा का। मैंने कहा दादी आप तो बाहर का नहीं खाती, मैं तो होटल का भी खा लेता हूँ, ये आपका खाना है, आप अपने लिए लाइए, आप खाइए ना। नहीं नहीं तू खा तो ये कर। मैंने कहा कमाल है दादी का प्यार भी कमाल है। और मजे की बात यह है जहां मैं जाता था एक बार नहीं कई बार एयरपोर्ट पे मिल गई, और फिर उन्होंने कहा जरूर तो आना। फिर अचानक एक दिन मैंने टेलीविजन पर सिस्टर शिवानी का शो देखा, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। मैंने कहा काफी इंटरेस्टिंग है ये, इनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है विलेपार्ले का वहां का नंबर दिया। तो 7 दिन का कोर्स मैंने जब किया वहां, गौतमी बहन करवा रही थी, तो कमाल की बात यह है कि वहां भी दादी जानकी फिर मिल गई। मैंने कहा दादी जानकी के साथ कितनी मुलाकातें होंगी बार 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 बार। फिर खैर हम माउंट आबू गए, सिस्टर शिवानी भी साथ थी, और एक बार तो गौतमी बहन भी थी, तो उन्होंने मुझे एक रिंग पहनाया। पता नहीं बहुत सोच सोच के बोले कि इसको पहना दें, बार बार ये पूछ रही थी अपनी सिस्टर से कि
इसको दे दें, पहना दें, पहना दें। मैंने कहा क्यों इतना कर रही हैं पता नहीं, शायद मैं इसके काबिल नहीं हुआ अभी तक। खैर उन्होंने फिर रिंग भी पहनाया और बोला कि देखो सेवा करना, और तुमने ना आज तक जिंदगी में बहुत कुछ किया अपने फैमिली के लिए, बहुत काम किया दुनिया के लिए, अब तन मन धन सारा आज से बाबा को दो। क्या कमाल है, ये कैसे इन्होंने पहचान लिया कि तुमने अपनी फैमिली के लिए बहुत किया। बोले तुमने सब खुद कुछ सब जितना देना था दे दिया, अब बस करो, बहुत किया अपने घर के लिए। मैंने सोचा दादी को इतना सब कैसे मालूम होता है, अब आप बताइए ये कोई भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है, ये कोई भगवान ही चाहता होगा कि बार बार मेरी मुलाकात उनसे होती थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक बार मुंबई में कोने में से बोला, हाँ मरजीवा बनाने आई है तुझे मैं। मैंने कहा मरजीवा दादी, आज से तेरा नाम है सुखदेव, ठीक है, सबको सुख दिया कर। इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं है, बात करते करते मैं इमोशनल हो रहा हूं। दादी का और मेरा एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता था, सभी का होता होगा, लेकिन जैसे माँ बाप को सब बच्चे अच्छे लगते हैं और बच्चों को सब माँ बाप सोचते हैं कि माँ बाप मुझे ही ज्यादा प्यार करते हैं। दिल बड़ा था एकदम, प्यार से भरा हुआ, जब मिलो प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, और कोई ना कोई सीख जरूर देना, कोई भी बात करो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा बोला, कभी नेगेटिव नहीं बोलना, कोई घर में कुछ बुरा भी करे तो ठीक हो जाएगा बोला, हाँ दादी हाँ दादी हाँ दादी। मैंने कहा दादी तो जा सकती नहीं, सेंचुरियन दादी हमारी कहीं जा सकती नहीं, तुम यही हो, यही हो, सचमुच में यही हो दादी। आज भी बात करता हूं तो शब्द नहीं निकलते, क्या कहूं, बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत किया आपने, कोटि 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 धन्यवाद आपका। ओम शांति।